इंडिपेंडेंट वाइल स्टडिंग। और फ्राइडे को आरती की थाली भी प्रिपेयर करनी है, तो आई एम टेलिंग यू इन एडवांस सो दैट यू गेट एम्पल टाइम टू डू दैट। ओके, तो वी आर गोइंग टू परफॉर्म आरती, तो उसके लिए आरती की थाली प्रिपेयर करनी है। ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट सीजन्स। हाउ मेनी सीजन्स आर देयर, डू यू नो दैट? अभी कौन सी सीजन? अभी वैसे विंटर सीजन शुरू हो जानी चाहिए थी, पर अभी हमें ठंड ऐसी लगती नहीं है, राइट? तो दिस मंथ्स आर फॉल्स फॉर विंटर सीजन। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सीजन्स। ओके, एवरीवन विल टेक आउट ब्लॉसम कोर्स बुक, बिग वन। ब्लॉसम की जो बड़ी निकालेंगे, ब्लॉसम कोर्स बुक। In that page number 101, Blossom course book, in that page number 101 निकाली आप सबने, तो क्या है ऊपर? सीजन्स है, राइट? थैंक यू। ओके, सो नाउ देयर आर मेन थ्री टाइप्स ऑफ सीजन। समर सीजन, मॉनसून सीजन एंड विंटर सीजन। ओके, फिर दूसरी दो भी होती है, ऑटम एंड स्प्रिंग, पर आज हम मेन थ्री सीजन जो है, समर सीजन, मॉनसून सीजन एंड विंटर सीजन, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, स्प्रिंग सीजन में क्या होता है? स्प्रिंग सीजन में फ्लावर्स ब्लूम्स होते हैं, और ऑटम सीजन में लीव्स जो होते हैं ना, वो गिर जाते हैं। ओके, और स्प्रिंग सीजन में नए, यस आव्यान, यस आव्यान, हाँ 101 पेज नंबर 101 ब्लॉसम की कोर्स बुक, जो बड़ी वाली बुक है ना, वो। ओके, नाउ हर एक सीजन के कुछ कुछ मंथ्स होते हैं, वही मंथ में वो सीजन फॉल्स करती है, राइट? तो समर सीजन यूजुअली इट कम्स इन जून, जुलाई, अगस्त। जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, इसमें हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, राइट? ओके, फिर और थोड़ी थोड़ी मार्च, होली जब खत्म होती है ना, तब से थोड़ा गर्मी लगना शुरू हो जाता है, बट 3-4 मंथ्स रहते हैं जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। ओके, फिर विंटर सीजन, फिर मॉनसून सीजन आता है, राइट? जस्ट अ मिनट। Okay, now first we'll start with summer season. Okay, I'm sharing the screen also, and you can take out this page. Thank you.
एक कंट्री में अलग अलग मंथ होते हैं फॉर समर, राइट? जैसे ऑस्ट्रेलिया में अभी समर सीजन चल रहा है, इंडिया में अप्रैल टू जुलाई होता है, मिड ऑफ जुलाई, एंड देन मॉनसून सीजन स्टार्ट्स, राइट? सो एवरी कंट्री हैज डिफरेंट मंथ्स फॉर ईच सीजन. ओके, कनाडा है तो कनाडा में अभी समर सीजन खत्म हो जाएगा, नाउ मॉनसून विंटर सीजन विल स्टार्ट. ओके, सो एवरी कंट्री हैज डिफरेंट मंथ्स फॉर डिफरेंट सीजन्स. इन इंडिया समर सीजन फॉल्स बिटवीन अप्रैल मंथ टू मिड ऑफ जुलाई. अप्रैल मंथ से जो गर्मी स्टार्ट होती है आफ्टर होली स्टार्ट हो जाती है थोड़ी थोड़ी गर्मी, वो जुलाई मिड तक रहती है, राइट? और फिर कौन सी सीजन स्टार्ट होती है? मानसून सीजन. ओके, तो फर्स्ट लेट अस लर्न अबाउट समर सीजन. अब समर सीजन में हमें क्या क्या करना अच्छा लगता है, व्हाट वी लाइक टू डू? समर मतलब बहुत गर्मी लगती है, राइट? तो सबसे पहले तो घर में क्या होता है, घर में पहले एसी लग जाता है और हम लोग एसी में ही बैठते हैं, राइट? फिर और क्या अच्छा लगता है समर सीजन में करना? समर सीजन में हमें ठंडी ठंडी चीजें खाना अच्छा लगता है, राइट? आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, फिर वो गोला आता है ना आइस का, वो सब करना अच्छा लगता है. फिर पानी में रहना अच्छा लगता है, लगता है कि नहीं? समर सीजन आती है और समर सीजन में तो वेकेशन भी आ जाता है स्कूल का, तो फिर हम लोग क्या कहते हैं मम्मी पापा को? मम्मी पापा लेट्स गो टू वाटर पार्क. वाटर पार्क में जाते हैं, कहते हो कि नहीं आप? स्विमिंग करना अच्छा लगता है, पानी में रहना अच्छा लगता है ना हमें, राइट? खाना भी अच्छा लगता है. बॉटम छोटे छोटे, हाँ. फिर वाटरमेलन में भी मैनी सीड्स होते हैं. वाटरमेलन कैसा फ्रूट होता है? ज्यूसी फ्रूट. वाओ, स्ट्रॉबेरी इतनी अच्छी लग रही है ना स्ट्रॉबेरी यहाँ पे. स्ट्रॉबेरी में कितने सीड्स होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं, कौन बताएगा? हम लोगों ने ये पढ़ा है तो मैम तो नहीं बताएगी. नो सीड मैम, डोंट किल मैम. नो सीड्स, यस. स्ट्रॉबेरी में नो सीड्स होते हैं. ओ वाओ, ग्रेप्स, ये देख के खाने की इच्छा हो जाती है, राइट? और ग्रेप्स कितने टाइप्स के होते हैं देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रेप्स, है ना? और ग्रेप्स में सीड्स होते हैं. हु इज गोइंग टू टेल मी? रचित, आप बताओ मुझे. देर आर नो सीड्स इन ग्रेप्स. और ग्रेप्स कैसे मिलती है? यस रचित, मैम ग्रेप्स में सीड्स नहीं होते. यस, और ग्रेप्स हमें, हम ग्रेप्स कहते हैं ना, पर हम उनको कैसे कहते हैं पता है? बंच ऑफ ग्रेप्स, क्योंकि आप देखती हो पूरा बंच है ग्रेप्स का, एक एक ग्रेप्स नहीं दिख रही है. हमें कैसे मिलती है बाजार में? In the market, how we get it? We get bunch of grapes. So, जब भी हम grapes के बारे में बोले ना, हम ऐसे कहेंगे, I want bunch of grapes. वो फिर पंखे के नीचे बैठना अच्छा लगता है, right? क्योंकि उस time पे बहुत गर्मी लगती है. और most important thing क्या होता है पता है summer season में? कि हमें है ना बहुत सारा पानी पीना होता है. Okay? क्योंकि हमें गर्मी लगती है ना, तो By the way of sweating,
हमारा बॉडी के अंदर जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो भी पानी लेवल है ना वो कम हो जाता है, दैट गेट रिड्यूस. सो वी हैव टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर. ओके, सो एवरीथिंग इज ओके, बट अगर आप ठंडा नहीं खाओगे तो चलेगा, एसी नहीं चलाओगे तो चलेगा, पर पानी बहुत सारा पीना है. ओके, इन समर सीजन. तो हम लोग क्विकली अगेन वी विल रिवाइज इट कि हम लोग समर सीजन में क्या क्या करते हैं. हम लोग समर सीजन में हमें क्या क्या अच्छा लगता है, क्या क्या फ्रूट्स मिलते हैं. ओके, तो फर्स्ट तो हम देखेंगे कि समर सीजन कौन से मंथ में आता है. ओके, तो समर सीजन कम्स इन द मंथ फ्रॉम इट स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल मंथ टू मिड ऑफ जुलाई. ओके, जुलाई तक समर सीजन रहता है. अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, 4 months समर सीजन रहते हैं, राइट. और उसमें हमें क्या क्या करना अच्छा लगता है, वी लाइक टू प्ले विथ वाटर, वी लाइक टू हैव कोल्ड ड्रिंक्स, वी लाइक टू हैव आइसक्रीम, राइट. वी लाइक टू गो इन वाटर पार्क, वी लाइक टू डू स्विमिंग, फिर वी लाइक टू ईट गोलास. गोला खाते हो आप लोग? फिर वी लाइक टू We sit in AC air conditioner में हम लोग बैठते हैं. फिर we like to go and beaches पे जाके बैठना अच्छा लगता है, right? We like to eat mangoes, right? Mangoes. फिर और कौन से fruits हमने देखे? Mangoes, muskmelon, watermelon, grapes. Strawberry. So these are seasonal fruit which we get in the month of in the summer season from April to July. Okay. So हमने क्या सीखा? हमने summer season के बारे में सीखा. Now we will go to next season. Turn your page. Page turn करो. पीछे कौन सा season है? 102 page number पे कौन सा season है? एरिक कौन सा सीजन है 102 पेज नंबर पे? विंटर सीजन. और अब हम भी विंटर सीजन, अभी विंटर सीजन इज गोइंग टू स्टार्ट, राइट. सो नाउ वी विल लर्न अबाउट विंटर सीजन. और विंटर सीजन कब से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्मली स्टार्ट फ्रॉम नवम्बर टू जनवरी तक रहता है, राइट. नवम्बर डिसम्बर से स्टार्ट हो जाता है एंड इट एंड्स इन द मंथ ऑफ जनवरी फेब्रुवरी. ओके, और विंटर सीजन में क्या अच्छा लगता है, हम लोग क्या क्या करते हैं, लेट अस सी व्हाट वी यूज, कौन सी चीजें हम यूज करते हैं विंटर सीजन में. वाओ, विंटर सीजन में हम लोग ये करते हैं. हाँ, यहाँ पे तो बहुत ठंड होती है, हमें क्या अच्छा लगता है, हमें फायर के पास बैठना अच्छा लगता है. सब लोग क्या करते हैं, कभी कभी कैंप फायर करते हैं, मतलब ऐसे फायर जलानी है और आजू बाजू बैठ जाना है. तो हमें हॉट हॉट हेयर लगती है ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है. फिर वुलन क्लोथ्स पहनना अच्छा लगता है. मम्मी स्कूल जाती है तो पहनाते हैं ना सबको, चलो सब लोग स्वेटर पहनो, हैंड ग्लोव्स पहनो, कैप पहनो, बहुत ठंड है. और सुबह सुबह जब आप स्कूल आते हो तब तो बहुत ज्यादा ठंड लगती है, राइट. तो उस टाइम पे तो आपको पहनना ही पड़ता है. फिर और क्या करते हैं घर पे, हम लोग एसी चलाते हैं विंटर सीजन? हाँ, शिफ्ट हम लोग एसी चलाते हैं विंटर सीजन में, या फैन चलाते हैं विंटर सीजन में, ठंडी की सीजन में? नो, आप सुनो, आप मम्मा को देख रहे हो ना, मुझे पता है, आप सुनो तो आपको खुद को पता चलेगा कि ठंडी की सीजन में हम लोग फैन चालू नहीं करते हैं, एसी चालू नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ठंडा ठंडा होता है. फिर गरम गरम पीना अच्छा लगता है, समर सीजन में हम लोग ठंडा पीते हैं. और ठंडी की सीजन में, विंटर सीजन में, वी लाइक टू ईट हॉट ड्रिंक्स, लाइक
हॉट मिल्क, और वो भी कैसा पता है, विंटर में तो वो बादाम काजू वाला मिल्क पीना बहुत अच्छा रहता है पता है, फिर अंजीर वाला वो सारा एकदम, इट इज वेरी हेल्दी। खजूर जो होता है, खजूर वाला दूध, दैट ऑल आर हेल्दी ड्रिंक्स विच वी शुड ड्रिंक इन विंटर सीजन। तो अभी विंटर सीजन जैसे स्टार्ट होगी ना, तो आप सब लोग भी ऐसे वाले मिल्क पीना, ठीक है ओके। और जो मम्मी पापा होते हैं वो क्या पीते हैं, दे ड्रिंक टी और कॉफी राइट, ऐसी गरम गरम चीजें पीते हैं, सूप। इन विंटर सीजन हमें क्या पीना अच्छा लगता है, और सूप मम्मा बना के देती है ना, चलो गरम गरम टोमेटो सूप पी लो, गरम गरम स्पिनच के सूप पी लो राइट। तो और जो ठंडी प्लेस होती है ना, एकदम कोल्ड वाली प्लेस जैसे शिमला मनाली, वहां पे तो है ना बर्फ ही जम जाती है, तो वहां हम बड़ौदा में ऐसा नहीं होता है, पर वहां पे हम ये स्कीइंग करते हैं राइट, मतलब स्लाइडिंग करते हैं, जहाँ पे बर्फ जम जाती है ना, लाइक प्लेसेस लाइक कश्मीर मनाली, वहां पे ऐसे बर्फ होती है, तो वहां पे हम ये कर सकते हैं ओके। और ठंड ज्यादा होती है तो बर्फ जमती है, तो ही हम ये कर पाते हैं, पर यहाँ पे हम नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे ऐसी बर्फ नहीं जमती, इसको स्किनिंग कहते हैं। तो वी विल क्विकली रिवाइज के विंटर सीजन में हम क्या क्या करते हैं ओके। विंटर सीजन में वी वेयर वुलन क्लोथ्स, मतलब स्वेटर स्कार्फ मफलर हैंड ग्लोव्स राइट, दैट टू वुलन वाला ओके, दैट वी वेयर ओके। देन we should take care because उस टाइम पे हमें सर्दी जुकाम बहुत हो जाता है right due to cold, so what we have to do, we have to drink hot things like hot things पीएंगे like hot milk, hot chocolate। आपको hot chocolate पसंद है, दूध के अंदर chocolate डाल के, पर वो कैसे hot वाला पीना है, hot chocolate, फिर dates wala milk, khajur wala milk, dry fruits wala milk right, so you need to soups, so we like to drink hot things during winter season। Then aur kya acha lagta hai, fire ke paas baithna acha lagta hai right, hum log baroda mein to aisa nahi hota hai, par kahi kahi jagah hum log camp fire kar sakte hain, ya shina ji aise koi place jaoge na wahan pe to aapko dikhega ki sab log ne aise लकड़ी पे आग करी है, और फिर सब लोग वहां पे यू टेक फायर फ्रॉम देयर राइट, ऐसे दूर से लेना होता है ओके। तो हमें अच्छा लगता है, ठंड होती है ना तो हमें गरम गरम अच्छा लगता है ओके। सो दिस आर द थिंग्स वी डू इन विंटर सीजन। नाउ नेक्स्ट कम्स मॉनसून सीजन। अक्षर म्यूट करो बेटा। नेक्स्ट कम्स मॉनसून सीजन, और मॉनसून सीजन कब तक होता है पता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम मिड ऑफ जुलाई, जुलाई के बीच में स्टार्ट हो जाता है ओके, जून एंड या जुलाई मिड, वहां से शुरू हो जाता है मॉनसून सीजन, और थोड़ी 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 बारिश करते करते बहुत सारी बारिश गिर जाती है राइट। और बारिश के सीजन में क्या होता है, बहुत सारे मॉस्किटोज दिखते हैं, फिर बारिश में नहाना अच्छा लगता है, पर फिर हमें ध्यान भी रखना पड़ता है बिकॉज नहीं तो हमें सर्दी जुकाम हो जाता है राइट। फिर हम कौन सी चीजें यूज करते हैं मॉनसून सीजन में, क्या क्या परचेस करते हैं जब मॉनसून सीजन आता है, मॉनसून मतलब बारिश की सीजन, तो हम लोग क्या क्या परचेस करते हैं, हम लोग परचेस करते हैं अम्ब्रेला। क्या परचेस करते हैं, अम्ब्रेला, और आपके लिए तो छोटी छोटी अम्ब्रेला भी मिलती है राइट, तो आप वो लोग आप वो लेके यूज करते हो ना। फिर और क्या मिलता है, रेनकोट,
सबके पास रेनकोट तो होगा, या तो अम्ब्रेला होगा या तो रेनकोट होगा, राइट? यू ऑल मस्ट बी हैविंग एनी वन थिंग और बोथ द थिंग्स, राइट? आइदर अम्ब्रेला और रेनकोट और बोथ द थिंग्स। फिर वाओ, क्या दिखता है हमें मॉनसून सीजन में? कभी कभी ऐसा रेनबो दिखता है? वो बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। कभी कभी ऐसा कुछ क्लाइमेट हो जाता है तो एट दैट टाइम ओनली वी कैन सी दिस रेनबो, राइट? और रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन रेनबो? देखा था द्विजा ने, वेरी गुड। देयर आर 7 कलर्स इन रेनबोज, राइट? हाउ मेनी कलर्स आर देयर? 7 colors. If you want, you can count it. See, V for violet, I for indigo, B for blue, green, yellow, orange, and red. So there are 7 colors in the rainbow. And rainbow we can see only in rainbow color. We can see only in monsoon season. Oh, what is this? Kya hai ye? Frog. Frog hame kab dikhta hai? Frog hame monsoon season mein dikhta hai. Round, 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 round. Aisi awaaz karta hai, right? वहां भी पानी होगा, वहां पे ये ड्राउ 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 ऐसी आवाज करता है। और वो जंप कैसे करता है? हम लोग ने किया था ना रेस, जब हम लोग स्पोर्ट्स होता है तब हम लोग फ्रॉग रेस भी रखते हैं, पता है आपको? ऐसे फ्रॉग की तरह हमें जंप करना होता है। और फिर हमने वो एनिमल पोजेस वाला किया था, उसमें भी फ्रॉग वाला योगा था ना। आप सबने किया था फ्रॉग वाला योगा? और फिर जहां पे पानी जम जाता है वहां पे हम क्या करते हैं? ऐसी बोट्स बनाते हैं, पेपर बोट। वी यूज टू मेक पेपर बोट और फिर पानी में हम छोड़ देते हैं एंड दैट पेपर बोट फ्लोट्स ऑन इट, राइट? आप में से किसने किया है? ये किया है किसी ने ऐसा? मैं किया है। द्विजा ने किया है, वेरी गुड। अभी जब नेक्स्ट टाइम मॉनसून सीजन आएगा ना तो आप भी करना, ठीक है? मैंने भी किया है। अच्छा, किया है। गुड मॉर्निंग। और अब अभी भी आप कर सकते हो, पता है कैसे? आप एक काम करना, बाल्टी फुल ऑफ बकेट ले लेना, पानी से भरी हुई फुल ऑफ बकेट वाटर ले लेना और उसके ऊपर ऐसे पेपर की बोट रखना, ठीक है? वो टब आता है ना, टब, हमने कल हिंदी में पढ़ा था, वो टब में पानी लेना। और यस बेटा, ओके, वेरी गुड। तो टब में पानी लेना और उसमें पेपर की बोट बना के उसमें फ्लोट करके देखना, ठीक है? आप लोग ओके। अभी ये सारी जो सीजन्स है ना उसके बीच में आता है स्प्रिंग एंड ऑटम। जैसे ऑटम सीजन है ना, नाउ वी प्लीज लिसन टू मी बिकॉज वी हैव ओनली 3 मिनट्स लेफ्ट, ओके? तो मैं ये जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम शेयरिंग यू दैट ऑटम सीजन है ना, अभी कौन सी सीजन चल रही है? डू नो दैट अभी ऑटम सीजन चल रही है। उसमें क्या होता है, पत्ते है ना सारे गिर जाते हैं, जो ड्राई लीव्स होते हैं वो सारे गिर जाते हैं इन द ऑटम सीजन, ओके? लीव्स सारे श्रेड होते हैं, मतलब गिर जाते हैं। और स्प्रिंग सीजन मतलब आफ्टर विंटर, विंटर के मॉनसून सीजन के बाद स्प्रिंग सीजन आती है, उसमें सारे फ्लावर्स और वो सब वापस उगते हैं, उसको स्प्रिंग सीजन कहते हैं, ओके? तो अभी कौन सा सीजन चल रहा है? अभी ऑटम सीजन चल रहा है, ओके? एंड देन विंटर सीजन विल स्टार्ट इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर, ओके? सो दिस आर द सीजंस वी हैव लर्न टुडे। मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीजंस, समर, मॉनसून एंड
winter. Okay, and autumn and spring comes in between. Right now, autumn season is going on, and after winter season, spring season will start. Okay, तो अभी आप ये सारी चीजें खुद से रिवाइज करोगे, देखोगे बुक खोल के कौन सी चीजें हैं, कौन सी सीजन है, आपको पिक्चर देख के तो पता चल ही जाएगा. Come on, tell me, ये कौन सी सीजन है? Who will tell me? Come on, forum, tell me, ये कौन सी सीजन है? विंटर, दिस इज विंटर सीजन. और ये कौन सी सीजन है कियान? कियान, ये कौन सी सीजन है? मानसून. कौन सी सीजन है? मानसून सीजन है. तो आपको पता है कि कौन सी सीजन है, तो आप खुद से ये बुक खोलोगे और यहाँ पे देखोगे कि क्या क्या है और कौन सी सीजन में हम क्या क्या करते हैं. फिर हम लोग वापस नेक्स्ट वीक में इसका रिवीजन भी करेंगे. ठीक है? ओके, आज टाइम नहीं है तो आज हम कुछ नहीं खेल पाएंगे. वी विल प्ले टुमारो. ओके, आई होप आपको सब समझ में आ गया है कौन सी सीजन में हम क्या करते हैं, क्या चीजें यूज करते हैं. ओके, कल हम लोग ऐसा होगा तो वी विल टेक अ क्विक रिवीजन.